फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में एक बेहतरीन टूल की, जो हमारी एक्सेल में हमारी फाइल पे हमारे शीट पर एज अ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है मेरे इस शीट पर वो कहीं भी चेंज ना कर पाए, और मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ ये जो मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूं इसी में ही वो चेंज कर पाए और पूरी एक्सेल की सीट पर कहीं भी वो चेंज ना कर पाए, और इस रेंज में जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ही यूज़र चेंज कर पाए जिसके पास इस रेंज का पासवर्ड हो। तो ये डबल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, मीन्स कि वही यूज़र इस रेंज में चेंज कर पाएगा जिसके पास पासवर्ड होगा, और बाकी वो किसी भी सीट पर चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें यूज़ करने के लिए हमें टूल का हेल्प लेना होगा। वो टूल का नाम है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, जो कि आपके रिव्यू टैब में चेंजेस ग्रुप के अंदर होती है। तो आपको जितने भी सेल को आप यूज़र को देना चाहते हैं फॉर एडिट करने के लिए, तो उतना आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और आप जा सकते हैं अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इस रेंज का टाइटल दे सकते हैं। यहाँ से आप रेंज हमने पहले से सेलेक्ट कर रखी है, वापस यहाँ पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको इस रेंज का पासवर्ड देना होगा। जैसे मैं देता हूँ 111, ओके, फिर रिकन्फर्म 111। उसके बाद अब हमें इस हमने सिर्फ इस रेंज जो भी हमने रेंज सेलेक्ट की थी इस रेंज का हमने पासवर्ड सेट कर दिया है, और इस टूल को पूरा अप्लाई करने के लिए हमें सीट को यहाँ से प्रोटेक्ट भी करना होगा। तो इसका हम अलग पासवर्ड रखेंगे, 123, ओके, 123, ओके। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब मेरा जो यूज़र आएगा, यूज़र बाकी इस सीट पर कहीं भी चेंज नहीं कर सकता, कहीं पर भी वो चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ इसी रेंज में चेंज कर सकता है, और इस रेंज में चेंज करने के लिए एक्सेल उसे पासवर्ड मांगेगा, और जिस के जो भी एज एक वैलिड यूज़र होगा उसी के पास पासवर्ड होगा, और वो यहाँ पर पासवर्ड डालेगा, और हमारा पासवर्ड था क्या, 111, ओके करेगा, उसके बाद वो यहाँ पर चेंज कर सकता है इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद वो इस रेंज में कहीं भी चेंज कर सकता है क्योंकि उसको हम परमिशन मिल चुकी है, और बाकी का जो सीट है उस पर वो चेंज नहीं कर सकता है। तो ये डबल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और हम यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ इन ही सेल्स के अंदर चेंज कर सके, और वही यूज़र चेंज कर पाएगा जो एक वैलिड होगा, मीन्स जिसके पास इस रेंज का पासवर्ड होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें हटानी है तो आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा शीट को, और जो प्रोटेक्ट शीट करते वक्त हमने पासवर्ड डाला था वही आपको पासवर्ड डालना होगा यहाँ पर, 123, देन ओके। तो इससे होगा क्या, इससे सारे जो हमारी प्रोटेक्शन हमने लगाया था इसमें वो सब हट चुका, अब यूज़र कहीं भी चेंज कर सकता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का हम यूज़ करते हैं, जो कि एज अ डबल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। आज फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।